चलिए दोस्तों, लेके आप सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बजाज का टी बल्ब अनबॉक्सिंग। देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन, जानेंगे जो बजाज का टी बल्ब है कैसा है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है वो अमेज़न का पैकेट। दोस्तों इसको जो है मैंने अमेज़न के ऊपर से परचेज़ किया है और इसीलिए जो है अमेज़न का पैकेट है, तो इसी के अंदर जो है हमारा बजाज टी बल्ब का बॉक्स है। तो चलिए अब जो है अनबॉक्सिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल करिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के सब नोटिफिकेशन मिल जाए जिससे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये अमेज़न का बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पर सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है हमारा बजाज का टी बल्ब का बॉक्स। तो चलिए अब वीडियो में अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है वो बजाज टी बल्ब का मेन बॉक्स। दोस्तों मैंने जो इसको दो कंटेंट में ऑर्डर किया था, तो एक जो है मैंने अपने शॉप में लगा दिया है, उसका बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, और एक जो है मैंने अनबॉक्सिंग करने के लिए बचा के रखा है। तो इसको जो मैं यहाँ से कुछ रिमूव कर देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारा बजाज का मेन टी बल्ब। तो ये जो आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे बॉक्स इसके जो की स्पेसिफिकेशन है वो सारे कुछ लिखे हुए आप देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है, ये है 10 वॉट का, और यहाँ पे इक्वल टू में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 75 वॉट, और इसका जो लाइफ टाइम है वो है अप टू 15,000 आवर्स तक का। तो ये जो बल्ब है आपको जो है 15,000 घंटे तक का बैकअप देने वाला है। और साथ ही यहाँ पे भी कुछ कुछ जो डिटेल लिखे हुए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा था, हम लोग जो है ये पैकेजिंग में देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मैंशन किए गए हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनबिल्ट शॉर्ट सर्किट थर्मल एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें जो आपको 55% का एनर्जी सेविंग देखने के मिल जाता है। इसमें आपको आईसी बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये जो है इन्वर्टर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और ये जो है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है कूल डे लाइट कलर्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उसके बाद अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसका। तो ये है हमारा बजाज का टी बल्ब। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है, ये है 20 सेंटीमीटर का। उसके बाद आप जो इसको कुछ जो है इस तरीके से ऐसे करके इसका जो डायरेक्शन है उसको मोड़ सकते हैं, और साथ ही आप जो इसको कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं कि आपको जो फेवरेबल डायरेक्शन लगे आप जो इसको उस डायरेक्शन में भी इसको आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों इसका जो ब्राइटनेस है वो जो है मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा है इसके प्राइसिंग के हिसाब से। दोस्तों इसको जो है मैंने अमेज़न के ऊपर 351 रुपीज़ में कॉम्बो पैक ऑर्डर किया था। तो अगर आपको इसको परचेज़ करना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैं जो हूँ वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ जाके आप जो इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब जो इसका जो एक ब्राइटनेस टेस्ट भी हम लोग कर लेते हैं, ये जो है कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं ब्राइटनेस टेस्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो बजाज का टी बल्ब है उसको जो है बल्ब होल्डर में लगा दिया है, और अभी जो मैं इसका जो स्विच है उसको ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये जो आपको किस तरीके का ब्राइटनेस दे रहा है। दोस्तों इसमें इसके बॉक्स ऊपर मेंशन किया हुआ था कि ये जो है कूल डे लाइट है, बट दोस्तों मुझे इसको देख के लग रहा है कि ये जो है वार्म लाइट है। आपको क्या देख के लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। तो दोस्तों चलिए अब जो है सब लाइट को बंद करके भी इसका टेस्ट कर लेते हैं कि ये जो है किस तरीके से आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी से मैं सब लाइट बंद कर देता हूँ, बंद कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी जो है मैंने सब लाइट बंद कर दिया, और आप देख सकते हैं अभी उतना कुछ विजिबल है या नहीं आप जो है आराम से देख सकते हैं। तो इसका जो ब्राइटनेस आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल जाएगा इस बजाज टी बल्ब का। अभी मैं जो हूँ सब लाइट ऑन कर देता हूँ, फिर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं, अभी जो मैंने सब लाइट को ऑन कर दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो ब्राइटनेस आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये जो टी बल्ब है, इसलिए ये जो है आपको थोड़ा सा इसका जो लाइट है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है, इसलिए इसमें जो आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए लगता है। और मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप जो है बल्ब लेना चाहते हैं तो बल्ब की जगह आप जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो है वहाँ जाकर इसको आराम से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। तूफान का देवता थॉर, तूफान का देवता थॉर, लव एंड थंडर, सब लोग जाइए थॉर लव एंड थंडर जरूर देख के आइए एज अ मार्वल फैन। थॉर तूफान का देवता, आप कट करो।